नमस्ते, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉप क्वेश्चंस। आपका साइंस का बोर्ड एग्जाम 4 तारीख को है, इसीलिए लाइट के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीमे धीमे हम लेवल वाइज आगे के न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तैयारी या अच्छी तैयारी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी तैयारी को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया तो जाहिर से मैंने वहाँ पे देखा कि प्लेन मिरर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप ज़रूर किए गए हैं और वो बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं, बच्चे उन क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या करना है, आपको कॉपी और पेन उठा लेना है और जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगा आपको उसको लिख के हुए चलना है। मेरा नाम है हिमांशु यादव, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल मेगी क्लासेस पे। आपको अगर अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको साइंस में और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे बना दूं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्लेन मिरर। बच्चों आपको क्लियर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, दिख रहा है ना? अच्छा, कितने लोगों को प्लेन मिरर के बारे में पता है? अगर पता है तो मुझसे पहले आप वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है बच्चों कि जिस पे जो इमेज तो फॉर्म होती है। प्लेन मिरर क्या है, मान लो ये मिरर है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। आई बात समझ में? सर इतना तो हमको पता है ये प्लेन मिरर है, लेकिन जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी लगे हाथ समझ दें। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है, जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल नहीं होगी, ठीक। सेकंड थिंग, नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? मतलब जो प्लेन मिरर पे इमेज होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, लेकिन उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। मतलब वो एट बिहाइंड द मिरर क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिहाइंड द मिरर कह दो एट, या बैक एट द मिरर कह दो। यहां तक बात समझ में आ गई? तो प्लेन मिरर क्या है, हमेशा कौन सी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक। और जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन इसमें पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इसी में दूसरा पॉइंट, आपको नोट्स बना के नहीं चलना, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बस यहाँ पे समझना है, आपके पास नोट्स तो ऑलरेडी है ना। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से, जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? मतलब साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतने पॉइंट्स आप क्लियर करते हुए चलो चलो, इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि लेवल कैसा आता है इस टॉपिक से, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो साइज ऑफ द इमेज है वो हमेशा इक्वल होगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अब इसी में थर्ड पॉइंट ये है बच्चों कि जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर पे वो हमेशा लिटरली इन्वर्टेड होगी। सर क्या बोल दिया, ये भी पता होगा आपको, ये वर्ड पता होगा ना, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। मतलब इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड। इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। इस शब्द का मतलब क्या है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, इसका मतलब ये है कि जब भी आप सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते हो या जब भी आप शीशा देखते हो तो आपका जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखता है या नहीं दिखता है, दिखता है या नहीं दिखता। अगर आप ऐसे राइट हैंड उठाओ तो मिरर में ये कौन सा हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड। समझ में आ गया? तो जस्ट उल्टा दिखना, जैसे आप शीशे के सामने अपना नाम लिख के जाएं पेपर में तो उसमें जो वर्ड्स आपको दिखेंगे मिरर के अंदर वो उल्टे दिखेंगे। समझ में आ गया लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अब मैं इतना रफ करने जा रहा हूं, तीसरा चौथा पॉइंट समझेंगे। चौथा पॉइंट ये है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्लेन मिरर का एंगल होता है अगर वो थीटा टाइम्स टर्न हो रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, प्लेन मिरर का जो एंगल होता है अगर वो थीटा टाइम्स टर्न हो रहा है तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा वो 2 टाइम्स थीटा चेंज होगा। समझ में आ गया?
मैं लिख के बता रहा हूँ, व्हेन द प्लेन मिरर इज टर्न्ड बाय एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड एंगल इज टर्न्ड बाय 2 थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब जो भी प्लेन मिरर में एंगल फॉर्म होगा, ठीक, जो इंसिडेंट एंगल होगा, वो अगर थीटा टाइम्स चेंज हो रहा है, तो जो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितने टाइम्स चेंज होगा? 2 टाइम्स थीटा। समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट इसमें ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। समझ में आ गया? जब रेट f बराबर होता है r by 2, f बराबर क्या होता है? r by 2। समझ में आ गया? तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इन्फिनिटी है, तो फोकल लेंथ आल्सो इन्फिनिटी होगी। फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑल्सो इन्फिनिटी। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन गया यहां से कि बताइए कि प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी होती है, या प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गया? तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर कितनी होती है? इनफाइनाइट। इतना क्लियर हो गया? ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। अब इसमें जो लास्ट 6 वाला पॉइंट है वो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो कोई भी पर्सन को, या मुझे अपनी इमेज देखनी है प्लेन मिरर पे, मुझे अपनी इमेज देखनी है प्लेन मिरर पे, तो मुझे क्या करना है? अपनी हाइट से ठीक आधा मिरर लगाना है, तभी मैं अपनी पोजीशन को या अपनी इमेज को देख पाऊंगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई तकलीफ यहां तक? तो ये था प्लेन मिरर के बारे में सारा इतना कुछ। अगर इसमें कोई भी पॉइंट जो आपने नहीं पढ़ा हो, आप नोट कर लेना, शायद 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे यहां से क्वेश्चन पुटअप हो जाए और आपके लिए एक नंबर वरदान साबित हो जाए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। इतना समझ में आ गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।